हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो कैसे आपके पास भी पोको का X6 न्यू 5G डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास पोको का X6 न्यू 5G डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम आती है, हमारे डिवाइस हीट या ओवरहीट हो जाता है। तो कैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स करूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी किसी भाई का सवाल है गेमिंग करते टाइम हीट कर रहा है, चार्जिंग करते टाइम हीट कर रहा है, ऑटोमेटिकली हीट हो रहा है, कैमरा यूज़ करते टाइम हीट हो रहा है, या हो सकता है किसी किसी वक्त का सवाल हो जब से अपडेट आया तब से हीट या ओवरहीट कर रहा है। आपको करना वीडियो को एंड तक पॉज करना। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए कैसे यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद आपको इसकी क्या भी सेटिंग बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, बिल बुक, आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट होने लगता है ऑटोमेटिकली। एंड ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी देख सकते हो अप्रैल का मंथ चालू होने वाला है, मार्च है, 30 मार्च है, एंड आपको पता आने वाला समय बहुत का गर्मी का टाइम आ रहा है। हो सकता है आप इस वीडियो को तभी देख रहे हो। किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि ऑटोमेटिकली पॉकेट में रखे रखे हीट हो जाता है। सबसे पहले वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन, ये तीनों चीज़ आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। जैसे आप किसी की परमिशन देते हो, कोई फाइल वगैरह इधर उधर शेयर करते हो, तो वाईफाई, ब्लूटूथ ऑन हो जाता है और हम इन तीनों चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली हीट होने लगता है। सबसे पहली बात, इन तीनों चीज़ को आपको ऑफ करके रखना है। एंड कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को 24 घंटे ऑन करके रखते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा आपको अपने डाटा को ऑफ करके रखना है। जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी डाटा ऑन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल पॉकेट में रखा है बट उनका डाटा ऑन है। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप मोबाइल को 24 घंटे डाटा ऑन करके रखोगे आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन मोड में रहने लगता है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट या ओवरहीट होने लगता है। तो जब भी पॉकेट में या मोबाइल घर पर रखा है हमेशा डाटा को ऑफ करके रखो, ताकि आपका डिवाइस रन ना करे, ऑनलाइन मोड में ना आए, उस कंडीशन में हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। सिंपली आपको आना है सेटिंग में, एंड सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है अवार्ड फोन। एंड यहाँ पर आपका डिवाइस MI 14 पर आया, सभी को मालूम है, हालांकि आपको डिवाइस में हाइपर वैसा काफ़ी जल्दी मिल जाएगा देखने के लिए। तो सबसे पहली बात, एंड हो सकता है आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो, हाइपर ओएस अपडेट आने के बाद, किसी किसी भाई का सवाल है सिक्योरिटी पैच अपडेट आने के बाद ही हीट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस में अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिकली हीट कर रहा है, आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। बताना चाहूँगा MIUI के जो अपडेट होते हैं उनमें कभी कभी बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं और हमारा डिवाइस हीट या ओवरहीट करने लगता है। तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। सिंपली आपको आना नीचे, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एप्सेस पे, आपको क्लिक करना है, मैनेज ऐप में जाना है, आपको SYS सिस्टम लिखना है, UI पे क्लिक करना है और इसे आपको क्लियर चेक कर देना है। करने के बाद आपको सर्च करना है पोको लॉन्चर। जैसे आप पोको लॉन्चर सर्च करोगे उसे भी आपको क्लियर चेक या क्लियर ऑल डाटा कर देना है। अगर आप मोबाइल को हो सकता है ज़्यादा यूज कर लिया हो, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, तो आप क्लियर सिस्टम लॉन्चर को क्लियर ऑल डाटा कर देना। कोई भी डाटा नहीं कटता, आपके एप्लीकेशन द्वारा से रिफ्रेश हो जाएंगे, जो चीज़ लॉगिन है वो लॉगिन की लॉगिन रहेगी, बट आपके एप्लीकेशन इधर से उधर हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका डिवाइस पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, सर्च करो सिस्टम लॉन्चर और आपका डिवाइस पूरा UI एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, जिसके कारण आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट करेगा ऑटोमेटिकली। एंड अब आपको जाना बैटरी में। जैसे आप बैटरी में जाओगे नीचे आना, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, एंड सिस्टम लॉन्च। वैसे यहाँ पर आपको जाना बैटरी में, एंड जैसे आप बैटरी में आओगे नीचे, बैटरी में आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं जो आप ज़्यादा यूज करते होंगे और आपको लगता है ऑटोमेटिक हीट या ओवरहीट कर रहा है। सबसे पहली बात, आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे ऊपर, बैटरी सेवर, एक बैटरी। सिंपली आपको बैटरी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है टेम्परेचर क्या है नॉर्मल। अभी देख सकते हो नॉर्मल है, क्योंकि अभी 1:46 हुआ है। दूसरी बात, मैं कहीं ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ धूप में। तीसरी बात, मैंने अभी इस मोबाइल में गेमिंग नहीं की, इसलिए नॉर्मल है। आपका हो सकता है कूल हो बिल्कुल, अगर आपने सुबह खटिया से उठो तो कूल दिखाएगा, अभी मेरा नॉर्मल है। हीट या ओवरहीट भी दिखा सकता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, हो सकता है आपने गेमिंग की। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, किसी बाइक का सवाल होता है चार्जिंग करते टाइम हीट या ओवरहीट कर रहा है, तो हमेशा जब भी आपको लगता है कि आपके डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट हो रहा है, उस कंडीशन में आप एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, उस कंडीशन में आपकी चार्जिंग स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। दूसरी बात, आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। एंड किसी किसी बाइक का सवाल होता है, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस पे हैवी लोड डालते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, उन्हें लगा हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा, तुरंत ही जाके चार्ज पे लगा देते हैं। उस कंडीशन में आपका जो बैटरी है वो भी फट सकता है, क्योंकि आपका डिवाइस ऑलरेडी हीट है, अब आप चार्ज पे लगाने जाओगे ओवरहीट होने के कारण कुछ भी हो सकता है, मोबाइल ब्लास्ट भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो आपका बैटरी का टेम्परेचर कूल होना चाहिए, उस कंडीशन में ओवरहीट नहीं होगा। एंड अगर आप चार्ज कर रहे हो हीट है फिर भी आप एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज करें, ताकि आपका डिवाइस चार्जिंग करता है हीट या ओवरहीट ना हो। अब आपको ऊपर के साथ सेटिंग का लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
सबसे पहली बात, किसी किसी भाई का सवाल होता है कि भाई हमारे डिवाइस में गेमिंग करते हैं हीटिंग प्रॉब्लम होती है एंड किसी एप्लीकेशन की वजह से हीट होता है। कोई भी गेम हो सकता है, फ्री फायर, पबजी या कोई कारंग रेस वगैरह। आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है क्लियर किची बैंड डिवाइस लॉग। फर्स्ट टाइम आओगे ये ऐसे होगा नेवर पे। आपको इसे 10 मिनट या 30 मिनट कर देना है। ये क्या करेगा, जब भी आप गेमिंग वगैरह करोगे या आपके पॉकेट में रखा होगा, ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट बाद या हर 30 मिनट बाद जिस हिसाब से आप सेट कर दोगे, आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, ज़्यादा हीट या ओवरहीट नहीं होने देगा। जब भी आप गेमिंग वगैरह करोगे या मोबाइल ज़्यादा हीट होगा तब भी ऑटोमेटिकली ये ऑप्टिमाइज पे लग जाता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। दूसरी बात, आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड ऐप बैटरी सेवर, इस पर आपको क्लिक करना है। भले ही इसका नाम ऐप बैटरी सेवर बट इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपको करना है, आपको ढूंढना है गेम वगैरह या कोई अदर एप्लीकेशन जिस वजह से आपका डिवाइस हीट कर रहा है। एक एक करके आपको सभी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है एंड मैं नीचे लेके आता हूँ आपको। एंड यहाँ पर देखिए तो बैटरी सेवर पर होगा, सबसे पहली बात इसे आपको रिस्टार्ट कर देना है। जैसे आप इसे रिस्टार्ट कर दोगे ये एप्लीकेशन, जैसे आप इसे रिस्टार्ट कर दोगे ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रनिंग करेगा। सभी को आप रिस्टार्ट कर सकते हो, ओके कर देना। अब क्या होगा, ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रनिंग करेगा और आपकी बैटरी को हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। एंड ये जब भी रन करेगा जब आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे, जैसे आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ऑटोमेटिक आपके डिवाइस में रनिंग करेगा जब तक आप उस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करोगे। जितनी देर ओपन करोगे उतनी देर रन करेगा, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली या गेमिंग करते टाइम। तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन को जो बड़े एप्लीकेशन हैं उन सभी को आप यहाँ पर रिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है बैक। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इसे आपको फॉलो करना और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। सबसे पहली बात, अब मैं आपको कुछ नॉर्मल ट्रिक बता देता हूँ। हो सकता है आपके डिवाइस पे लोड हो, आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लेट देख रहे हो, फालतू की फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, इन तीनों चीज़ को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली गैलरी के अंदर जाना है एंड जो चीज़ आपने डिलीट की है यहाँ पर आना है डिलीट आइटम में। यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी परमानेंट डिलीट होंगी और आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। तीसरी बात, हमेशा आपको आपके डिवाइस में एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, इसे आपको क्लिक करना है और आपको अपने डिवाइस को जो भी जंक फाइल वगैरह से स्कैन वगैरह कर लेना है ताकि आपका डिवाइस क्लीन एंड रिफ्रेश रह सके, कोई भी इशू या प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसे यूज कर लेना। ठीक है, क्लीनर वगैरह देख सकते हो, फ्री अप 2.8 GB। ये क्या होता है, जंक फाइलें इकट्ठी होती रहती हैं, यहाँ से बूस्ट स्पीड, सिक्योरिटी को स्कैन, ऑप्टिमाइज सारे कुछ कर सकते हो। आप हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार या पर डे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इसे आपको फॉलो करना और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं करेगा। कैसे भी गेमिंग करते हैं, चार्जिंग करते हैं या ऑटोमेटिक करता है वो नहीं करेगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसे आपको फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है जो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।